पाकिस्तान हैज नो मनी टू मेंटेन F-16s। भारतीय वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। पहली बार भारतीय वायुसेना मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति करने जा रही है। अब इंडियन एयर फोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। इसहाक डार साहब ने कहा है कि $130 बिलियन का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो हैं एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियां किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। मुल्क के अंदर के जो हालात हैं, बलूचिस्तान से लेकर तो KPK तक जो मिसाइल चल रहे हैं वहाँ पर 60-60 लोग मर रहे हैं, और बलूचिस्तान में गवादर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और भी इस्लामाबाद में जो हाफिज नईम रहमान है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और UAE ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कश्मीर को लेके, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को लेके। उन्होंने ये बोला है गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज के हुक्काम ने बताया कि UAE में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। तो 2028 तक जो है 180 के करीब जेट्स मिलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो इसको बना रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया आने वाले दिनों में इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ा जो वॉर एक्सरसाइज है वो इंडिया करने वाला है। देखिए, अगर आप पिछले 10-12 सालों से देखो तो ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत बड़े मात्रा में बढ़ चुकी है, चाहे वो US के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे UK के साथ हो, फ्रांस के साथ हो, जो भी आप अगर आप काउंट करो, कई सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके साथ हमारी जो एक्टिविटी बढ़ चुकी है। और उसके अलावा कई सारे कंट्रीज़ इस बात से ये हमेशा वेट करके रहते हैं कि भाई हो सकता है कि अगला जो ऑर्डर है इंडिया का कोई हथियार परचेज करने वाला वो हमें सीधा के सीधा मिल जाए इंडिया की तरफ से। और इसीलिए ये सारे लोग जो है वो दूसरे तरीके के रिलेशन भी इंडिया के साथ मेंटेन रखना चाहते हैं, चाहे वो मान लीजिए कि UN के अंदर मदद करने की बात हो, वीटो यूज़ करने की बात हो, जिसमें फ्रांस हमेशा तैयार रहता है, UK तैयार रहता है, US रहता है, चाइना को छोड़ के रशिया तैयार रहता है। ये सारे के सारे कंट्रीज़ को पता है कि भाई इस पावर का हम यूज़ उस हिसाब से कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो अपने डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले जी। दोस्तों, इंडिया अपने डिफेंस पे, या यूं कह लीजिए कि अपने जो एग्रेशन है उसका, उस पर भी बहुत अब खर्च करना शुरू कर दिया है। अब इंडियन एयरफोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सेप्टेम्बर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। और पहले फेज़ में जो कि अगस्त 6 से शुरू होगा, उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और UK भी शामिल होंगे। और फिर सेकंड फेज़ जो जोधपुर में होगा, उसमें सिंगापुर, US, UAE और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो हैं एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियाँ किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। और मिलिट्री एक्विजिशन तो खैर उसकी हर जगह से हो रही हैं। इंटरनली भी अगर आप देखें तो तेजस जो हैं गो के, उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई हैं। लाइट एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें भी कुछ ताखीर तो हो रही है कुछ, लेकिन उसको भी डिवेलप किया जा रहा है। Mark 1 और Mark 2 की बातें हो रही हैं। तो 2028 तक जो है 180 के करीब जेट्स मिलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो इसको बना रही है। मेजर गौरव आर्या जी ने तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। की हो गया जी, तुसी की कह रहे हो? मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज नो मनी टू मेंटेन F-16s। देखिए, इतना बड़ा क्लेम कर दिया है मेजर साहब ने। साहब की किता तुसी? उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो F-16s जो कि अमेरिका से लिए थे उनको मेंटेन कर सके। तो नहीं है पैसा, हमें तो पूछना पड़ेगा। लेकिन
हम जिनसे पूछना चाहते हैं कि क्या पैसा नहीं है F-16 को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने ये कहा है कि फिकर नॉट, वो कह रहे हैं पाकिस्तान पर अगर 130 बिलियन डॉलर्स का डेट है तो क्या हो गया, ऐसी क्या बात है, नो नीड टू फ्रीक आउट। इसहाक डार साहब ने कहा है कि 130 बिलियन डॉलर्स का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो क्या हो गया, इतना कौन सी कयामत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की इतनी कैपेबिलिटी है कि यूं हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं सर। तो तुसी की कह रहे हो, आप कह रहे हैं कि सिर्फ F-16 के लिए पैसा नहीं है मेंटेन करने के लिए, अच्छा तो वो ये कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं। अच्छा ये जो 130 बिलियन डॉलर कहा है सागदार साहब ने, तो क्या इसके अंदर वो चाइना वाला कर्जा भी शामिल है, मुझे नहीं पता वो ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो कुछ और भी थोड़ा सा बढ़ा लें। मेजर साहब ने जो बातें की है ना, उन्होंने एक तो ये कहा कि ज़रा 80s की बात की उन्होंने, उन्होंने कहा कि देखें वन बाय वन बात कर लेते हैं ना, उन्होंने जो बात की उन्होंने कहा कि 80s में जो है इन्होंने पैसा लिया और फिर आपको पता ही है जिहाद विहाद जो चलता रहा पाकिस्तान के अंदर और वो मदरसे खोले। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जनाब इंडिया जलता है पाकिस्तान से, सर इंडिया पाकिस्तान से जलता ही तो है, क्योंकि मदरसे खोले अगर तो किस लिए खोले, दीन की खिदमत के लिए। मेरे साहब आपको समझ नहीं आती, दीन की खिदमत की है उन्होंने, ये जो जिहाद विहाद हुआ है ना ये 70s 80s का जो दौर की आप बात करें मदरसे खोले, तो ये तो अब देखिए आपको दीन और दुनिया की फिक्र नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा है आखिरत के लिए, तो वो कहते हैं मदरसों पे मदरसे खोले उन्होंने, तो दीन की खिदमत की है। अच्छा तो फिर वो देखिए ना, फिर वो कहते हैं कि जलता है इससे लग रहा है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं जनाब कि जो F-16 हैं उनको कोई 40 साल हो गए हैं और वो हल्के हल्के चुरमुराना शुरू हो गए। अच्छा वैसे ये जो चुरमुराना है ये जूतों के लिए नहीं इस्तेमाल होता, कि जूते जो हैं वो पुराने हो गए हैं तो चुरमुराना शुरू हो गए हैं। वैसे मेरे साहब की उर्दू की दाद देनी पड़ेगी, हैं जी वो यूपी में रहते हैं मेरा ख्याल है, तो उर्दू तो उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो चुरमुराना है ना हमने आज तक ये सुना था कि ये जूतों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं जनाब कि F-16 जो हैं वो मतलब कोई पैसे वैसे नहीं है इनके पास। अच्छा इसके लिए उन्होंने जो कुछ बातें की, जैसे कि उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो MRF है उसने ये कहा है कि कोई काफ़ी एक बड़ी अमाउंट उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि जनाब 682,000 डॉलर्स जो हैं वो देने हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतने पैसे देने हैं, तो इतने पैसे तो इनके पास है नहीं। अच्छा एक तरफ इसहाकदार कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना कर्जा है तो कोई मसला ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये इतना पैसा देना है तो इतना पैसा जो है वो कह रहे हैं कि साढ़े कोल नहीं हैगा, पाकिस्तान कह रहा है कहाँ से आएगा पैसा, चाइना से लेकर जो है ना, वो कहते हैं ना कि टोपी बदलते हैं, चाइना से लेकर अमरीका को, अमरीका से लेकर चाइना को, मेरे पास तो ये गुर है एक कि जी इस तरह जो है वो किया जा सकता है, चाइना से पकड़ें अमेरिका को दे दें, अमेरिका कहे हमारा पैसा दो, अमेरिका से चाइना से पकड़ कर दे दें, चाइना कहे हमारा पैसा कर दो उससे, अमेरिका से लेकर चाइना को दे दें, ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा जी अब बात ये है कि अब जैसे देखिए ना मेरे सब आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ना ये F-16 जो होता है वो शेर पालने वाली बात है। जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं, तो इस ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरन मिनिस्टर हैं वांग यी की। अच्छा और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुवतें दुनिया की यानी आबादी के लिहाज से भी और तिजारत के लिहाज से भी, और दोनों हमारे पड़ोस में, अब दोनों के दरमियान 2020 के अंदर एक खलीज पैदा हुई, लेकिन वो खलीज और तलखी और फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला कि वो, लेकिन अब जो मुलाकात, ये जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात का जो सामने बयानी आ रहा है वो बयानी ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें, 21st इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर, यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। और इसमें राइटर्स भी इसी तरह से कोट कर रहा है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच बॉर्डर इशूज विद अर्जेंसी, फौरी तौर पर अर्जेंसी के लिए जो है वो इस पर। अच्छा थोड़े दिन पहले ये बजट उनका पहला बजट आया है ये जो नई मोदी सरकार का, तो उनकी जो वजीर खारजा हैं सॉरी वजीर खजाना हैं
उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट के दौरान, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, इनका नाम है निर्मला सीतारामन, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, राइटर्स 17, उन्होंने कहा था कि जो चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडिया में खोल रहे हैं। चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2020 में रुक गई थी कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसको चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खोलने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो हमारे दो पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात तेजी से आपस में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसमें जो है फिर ब्रुकिंग्स, सारे अमेरिकन देख रहे हैं ये, इसकी चंद रोज पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको ये जो बर्फ पिघल रही है इसको लिंक करें उस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था रशिया के साथ, जो रशिया में दौरा भी हुआ था, जो अलग से गए थे रशिया, और तो उस रशिया के दौरे में रशिया कहीं रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान, या वैसे भी तो इनके आपस में आखिरी मुलाकात तो इनके भी इसी महीने दूसरी मुलाकात है, पहले कजाकिस्तान में एससीओ के मरले पे हुई थी और अभी एक अबुया जिसमें ट्रूप्स की। ब्रुकिंग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चंद रोज पहले आई थी, इज देयर गोइंग टू बी इन इंडिया चाइना डील। अच्छा, अमेरिका इसको देख रहा है, देख रहा है ना कि मामलात आगे पीछे दाएं बाएं, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान तल्खी खत्म हो रही है और इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, पूरी दुनिया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की मीटिंग हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी से और बोला ये क्या कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशन हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मतलब हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, कोई हमें गाइड करेगा कि कैसे हम पीछे हटें, या ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कभी नहीं आएगी। 4 साल हो गए दोनों के स्टैंड ऑफ को, आज तक दोनों की फोर्सेस पीछे नहीं गई हैं। ऐसा कट्टर दुश्मनों में भी बहुत कम होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर कुछ इस तरीके से इतना टेंस होता है जितना टेंस इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन ये टेंशन बनाए रखने का कहीं ना कहीं इरादा भी चाइना का ही दिखता है। पाकिस्तान बहुत बार बोल चुका है, सॉरी इंडिया बहुत बार बोल चुका है इसे हटाया जाए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब, जो खुद चाइना में बैठे हैं और चाइनीज पॉलिटिक्स को और चाइना की इकोनॉमी को अच्छी तरह से जानते हैं। चाइना की इन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, एक चीज कि ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन है, इन टेंशन को पहली चीज तो आप कैसे देखते हैं, और इसको चाइना हटाने के मूड में नहीं है या इंडिया हटाने के मूड में नहीं है? रोहित भाई, पहली बात यह है कि भारत हटाने के मूड में इसलिए नहीं है बिकॉज चाइना हटाने के मूड में नहीं है। हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम आगे बढ़कर कोई भी काम नहीं कर रहे। चाइना ने वहां पर स्टैंड अप रखा हुआ है, वहां पर अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, टैंक्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, 1.5 लाख की उनकी सेना है, हमने भी खड़ी कर दी। जितने टैंक उन्होंने खड़े करे हमने भी खड़े कर दिए, और ये स्टैंड अप ऐसे ही रहेगा जब तक हम स्ट्रांगली इनको आंसर नहीं देंगे। कम्युनिस्ट को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, ये पीछे हटना नहीं जानते हैं, और दूसरा इनके लिए जो फेस वैल्यू होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। ये कुछ भी कर लेंगे अपने फेस सेविंग के लिए, बेशक अपने कंट्री को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। रशिया का अभी आज की डेट में आप देख लीजिए, पूरे दुनिया में अलग थलग बैठा है, लेकिन यूक्रेन का पीछा ही छोड़ने से वो पीछे छोड़ेगा भी नहीं, वो अपनी कंट्री को बर्बाद कर लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चाइना का भी यही हाल है। और जब ये बोल रहे हैं आज की डेट में कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मजे की बात ये है पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। बन्नू में गुवाहाटी गेट के करीब धमाका हुआ है। बन्नू इलाके में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हम साया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें। पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक मारे गए हैं इस हमले में। पाकिस्तान के एक कैंटोनमेंट, आर्मी कैंटोनमेंट, बनो कैंटोनमेंट पर टीटीपी, मतलब बोला जा रहा है टीटीपी, लेकिन ये दूसरा ग्रुप है जो के हाफिज गुल फ्रैक्शन है। अफगान हुकूमत टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती हो, लेकिन वजह कोई भी हो, खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। जो आतंक उसने सालों पहले बोया वो आतंक अब रह रहकर उसके लिए चुनौती बना हुआ है, और सवाल फिर ये कि क्या पाकिस्तान शमशान बन जाएगा? जब से अफगान तालिबान की हुकूमत बनी है,
पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है। जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो तब तो बड़ा हमें हम खुश भी हुए थे, हमने प्रॉपर जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई अफगानिस्तान में, अब रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। वो इस्लामिक होते हुए भी, इस्लामिक गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे साथ रिलेशन क्यों खराब है, और दूसरी साइड पे इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों बेहतर है। बारूद से भरी गाड़ी से धमाका किया, ये हमला इतना स्ट्रॉन्ग था, एक एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक, मतलब एक गाड़ी थी बड़ी ट्रक जिसमें पूरे में एक्सप्लोसिव भरे थे, जिसमें पूरे में बारूद भरा था। ये हमला अब से 8 घंटे पहले बन्नू कैंट पर शुरू हुआ था और 8 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अभी तक भी पाकिस्तानी सेना लड़ाकों का सफाया नहीं कर पाई है। इसमें पूरे में वही छाप है हमले में जो छाप पाकिस्तान ने कश्मीरी टेररिस्ट को सिखाई थी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की सेना के ऊपर फिर से एक बड़ा हमला हो गया और उसमें कहे जा रहे हैं कि तकरीबन 17 ऐसे लोग हैं जो कि ठोके गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी के 17 लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर लाशें बिछ चुकी है पाकिस्तानी आर्मी के। अब देखिए सिचुएशन ये हो रही है कि चाहे पीओके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे ये जो TTP वाली सिचुएशन हो, उसके अलावा अगर आप बात करो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है उस पर जो सिचुएशन चल रही है चाहे उसकी बात हो, क्योंकि तालिबान जो है वो ड्यूरल लाइन को मानते नहीं, और ड्यूरल लाइन वाली जो सिचुएशन है ना वो आज नहीं तो कल मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई करने वाली है। उसके अलावा देखो तो इंडिया है, इतने सारी जगहों से पाकिस्तान घिर रखा है कि भाई अब कभी भी सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इंटरनल स्टेबिलिटी तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे आने वाले दिनों में झटके पर झटके पाकिस्तान को लगने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सेट हो चुके हैं, मतलब पिछले अगर आप 2-4 महीनों के काउंट करो तो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जमकर हमले हो रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। पाकिस्तान के एक कैंटोनमेंट, आर्मी कैंटोनमेंट, बनू कैंटोनमेंट पर TTP, मतलब बोला जा रहा है TTP, लेकिन ये दूसरा ग्रुप है जो कि हाफिज गुल फ्रैक्शन है उसका, TTP का ही, मतलब तरीके तालिबान पाकिस्तान और TTP और हाफिज गुल इन सब का बनू कैंटोनमेंट पर हमला किया आज सुबह 4:45 पे। इसमें पूरे में वही छाप है हमले में जो छाप पाकिस्तान ने कश्मीरी टेररिस्ट को सिखाई थी, कश्मीरी आतंकवादियों को सिखाई थी। ये बन्नू कहाँ है, बन्नू क्या रीजन है, ये देखिए आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैप है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर हमारा दिख रहा है, नीचे लेफ्ट पे इसमें दिख रहा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ ये जो एरिया है लाइट कलर में वो है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू कहाँ है, ये रहा बन्नू, वजूरिस्तान के पड़ोस का एरिया है। हमला जो हुआ है बहुत सीरियस हमला है, और एक चीज इसकी डिटेल्स जो हैं वो और भी सीरियस हैं, मैं उस पर आता हूं। ये हमला इतना स्ट्रॉन्ग था, एक एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक, मतलब एक गाड़ी थी बड़ी ट्रक जिसमें पूरे में एक्सप्लोसिव भरे थे, जिसमें पूरे में बारूद भरा था, जाकर के टकराया बन्नू कैंटोनमेंट के गेट से और गेट उड़ गया, गाड़ी भी उड़ी, गेट भी उड़ा, और उसमें कुछ ये जो हाफिज गुल फ्रैक्शन है इसके लोग भी मारे गए। उसके बाद 8 जो पश्तून फाइटर्स हैं, जो मुजाहिदीन हैं, या उनके तरफ से बोलूं तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अंदर घुस गए। गेट पर ही 12 पाकिस्तानी सैनिक चौकीदारी कर रहे थे जो मारे गए। ये सामने फाइटिंग अब तक कंटिन्यू कर रही है, ऐसे कुछ लोग बता रहे हैं, मेरे सोर्सेस फोन नहीं उठा रहे थे, मैं उनको कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने जो मेरे को 1-2 घंटे पहले जो मेरे सोर्सेस ने बताया था वो ये था कि फाइटिंग अभी चल रही है। सिचुएशन ये कि अच्छा एक चीज, ये हाफिज गुल बहादुर फ्रैक्शन जो है, इस फ्रैक्शन का नाम है जैश ए फुरसान मोहम्मद ग्रुप। जैश ए फुरसान मोहम्मद ग्रुप जो है, इस ग्रुप का ये ग्रुप मतलब बहुत ज्यादा नोन नहीं है, लेकिन ये ग्रुप भी TTP की तरह शरीयत इम्पोज करना चाहता है, और पाकिस्तान को बोलता है कि भाई तुम इस्लामिक कंट्री हो तो शरीयत इम्पोज करो, शरीयत लगाओ, हम तो शरीयत वाले कंट्री में लाना चाहते हैं ना। ये शरीयत पाकिस्तान ने ही सिखाई थी पूरी दुनिया को, आज इस शरीयत पे मैं तो हंसने की बात नहीं है, लोग मारे गए हैं, चाहे वो जैश ए फुरसान के हो या चाहे पाकिस्तानी आर्मी के हो, हंसने की बात तो मुझे नहीं लगती, लेकिन फिर भी मतलब एक चीज होती है ना कि पाकिस्तान जो सिखाता है दुनिया को
उसमें खुद ही फंस जाता है। अब पाकिस्तान को खुद को प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं। तो बस आपको ये सिखाया किसने था हमले कराना? आपने हमले किए दुनिया में, आपने दुनिया को परेशान किया। आज आप ही के अंदर के लोग सीख चुके हैं। खैर, इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि उससे जो गेट है उसके करीब 500-600 मीटर दूर तक गाड़ियों के शीशे टूटे और बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए। सामने वाले के तो क्या हाल है वो दिख ही रहा। ये अच्छा, मेरे पास कुछ वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो उस हमले का पहला वीडियो मेरे पास ये है, देख सकते हैं। धुआं निकलता साफ दिख रहा था इस वीडियो में, और धुआं जो निकल रहा था उससे पता लग रहा था कि किस तरीके का हमला था। सुबह सुबह का टाइम, थोड़ी लालिमा आसमान में, और वीडियो किसी आदमी, आजकल तो हर आदमी कैमरामैन है ना, तो उस किसी ने वीडियो बना लिया वहां पे हमले के दौर पे, और थोड़ा दूर से बनाया है क्योंकि दिख रहा है धुआं और लालिमा की एक फोर्स है वो वहां पहुंच चुकी है, ऑपरेशन जारी है। अंदर कितनी कैजुअल्टी है अभी तक नहीं पता है, अंदर कितने लोग मारे गए किसी को नहीं पता, पाकिस्तानी आर्मी के या पाकिस्तानी जैसे बोलते हैं वो रेंजर्स के, अभी तक नहीं पता है। इंफॉर्मेशन आएगी नहीं आएगी, डीजीएसपी बताएंगे। आते हुए के शॉट्स, वो एसएसजी के जो कमांडोज आ रहे थे बन्नू कैंटोनमेंट, आप मैंने आपको फिर से लोकेशन दिखाता हूँ। बन्नू कैंटोनमेंट जो है ये रहा, बन्नू यहाँ पे है, ये लाल रंग का जो आपको दिख रहा है ना, नीचे अगर छोटे इनसेट वाला मैप देखें आप तो आपको दिखता है इंडिया, और इंडिया के साथ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मैप है, बड़े मैप में खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू यहाँ पे। यहाँ तक पहुंचने के लिए आर्मी को एक तो टेरेन बड़ी खराब है, वहां पे पहाड़ों में से गुजर के जाना पड़ता है, ये तो बात सही है, टेरेन बहुत खराब है। और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तान के जो पोलियो वाले जाते हैं उनको गोली मार दी जाती है, पाकिस्तानी आर्मी के लोग मार्केट में टहल रहे हो उन्हें गोली मार दी जाती है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी पुलिस के लोग मार दिए जाते हैं। तो ऐसे में कैसे चलेगा काम और आर्मी कैसे जाएगी? आर्मी को हेलीकॉप्टर से भेजना ज्यादा जरूरी बनता है, और हेलीकॉप्टर से भेजा भी गया इन्होंने। मेरे पास हेलीकॉप्टर के शॉट। इन तीन सालों में अफगान तालिबान के वहां इक्तदार में आने के बाद, एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर हैं अफगानिस्तान के साथ ना होने के बराबर है। इन तस्वीरों का नाता सीधे सीधे भारत से जुड़ा है। तो इन तस्वीरों में जो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान ने भी तार साहब कल जो है वो भारत के साथ यौम आजादी मनाया एक और परेड से, अफगानिस्तान में जो परेड हुई है। ये वही हेलीकॉप्टर है जो बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान को एक बेहतर दोस्त के नाते तोहफे के रूप में दिए थे। यानी पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे हम यानी दोबारा से कब्जा कर सकते हैं, दोबारा हमारी वापसी हो सकती है, और उसमें जो प्राइम उनका वो एक ऑब्जेक्टिव है वो एक कबाइली इलाका। क्योंकि अफगानिस्तान को आज 3 साल तालिबान के तहत अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, तो हम मतलब पाकिस्तान 77 साल। दरअसल इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों को दर्शाकर तालिबान ने अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि बीते 3 सालों में उसके शासन में आने के बाद से उसने किस तरह की मजबूत स्थिति पैदा की है। और तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं, और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, टैंक भी है। पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुजेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। पाकिस्तान की तरफ से क्यों जवाब नहीं आता? इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई वजीर दफा नहीं है, और उधर से मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब अफगानिस्तान के अंदर अंदर के अंदर जो गवर्नमेंट थी वहाँ से इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इंडिया किया करता था। उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो रिलेशन इंडिया के ख़राब हो गए। ऊपर से पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबानों की मदद की है उस हिसाब से आने वाले दिनों में तालिबान
पाकिस्तान के साथ तो सुलह कर ही लेगा, लेकिन इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन बहुत बिगाड़ेगा और पाकिस्तान के फेवर में बोलेगा, खास करके कश्मीर को लेने में अच्छी खासी मदद वो करेगा। लेकिन हुआ है वो बिल्कुल उसका उल्टा, और पिछले दिनों जो एक परेड थी अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर इंडियन हेलीकॉप्टर्स को देखा गया था। अब ज़रा सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैंट बनाई गई है इन अफगानिस्तान बाय इंडिया, और ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो करे तो करे क्या। जब उन्होंने मदद की थी तालिबानों को सेटल डाउन होने में, तब ऐसा लग रहा था कि भाई बस सब खत्म, सब इंडिया के लिए दरवाजे अफगानिस्तान के लिए हमेशा के लिए बंद, लेकिन अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया कितना ज़रूरी है। यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं, और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4.1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है, और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली खड़ा कर लिया, और उनको कोई इमीडिएट उनके लिए चैलेंज कोई नहीं है, और उनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो कोई नहीं है। हाँ, वो ये बात है कि वो ख़वातीन को एजुकेशन पे वो कहते हैं नहीं, ख़वातीन घरों में रहेंगी, और उनके मुकाबले में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस, कोई ऐसा ग्रुप जो कोई सामने आ जाए उनके खिलाफ लड़े, कोई भी नहीं है। माजी में आपको पता है तालिबान जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस दफा अफगान तालिबान ने बड़ा जबरदस्त किस्म की अपनी पावर जो है वो इस्टेब्लिश की है। सिर्फ उनको एक ही चैलेंज है, और वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। वो तालिबान का एक है, एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, और वो मुसलसल वहाँ पे बैठ के बैठा भी अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, डिफरेंट जगहों पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन वो अमेरिका भी उनसे तंग है, पाकिस्तान भी तंग है, और सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ थी कि अफगान तालिबान पावर में आ जाएंगे। ये जो जनरल फैज अमीद हैं, जो जिनकी बड़ी बात की जाती है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो वो जहाज़ लेके वहाँ चले गए, और वहाँ जाके वो तालिबान से मिलने, लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अफगान तालिबान तो हमारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, उन वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं, ना वो हमारी गिनते हैं, और पाकिस्तान के अंदर लाखों महाजरीन बैठे हैं, ना हम उनको निकाल सकते। अगर हम उनको निकालें तो लोग गालियाँ देते हैं, क्यों निकाल रहे हो, वो पाकिस्तान के अंदर आके जराइम में भी मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी ले लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फायदा उठाते हैं लोग। सो बड़े अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान ने इंटरनली बड़ा मैनेज किया हुआ है। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर, वो एक ही है। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक पॉलिसी है ना, और तीनों मुल्क चाइना के इंटरनल अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। वो नहीं कह रहे गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, ख्वातीन के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। रशियंस को और चाइनीज को और इंडियंस को इस चीज़ से गर्ज है कि क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं, वो कहते हैं भाईजान ख्वातीन की तालीम, वुमेन राइट्स, ये लोगों को मारो ना, आज़ादी दो, ये करो, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं करना। सो इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस, रशियंस एंड चाइनीज, दे हैव वन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट,
इंडिया का जरा ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया ये एक इस्लामिक मुल्क है अफगानिस्तान, और माजी में आप चले जाएं जब इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को बहुत सपोर्ट करता था 90s में और पाकिस्तान तालिबान के साथ था, तो इंडिया वहाँ जा ही नहीं सकता था। लेकिन जब अफगान तालिबान जो है उनकी हुकूमत चली गई और उसका हामिद करजई को इंस्टॉल कर दिया अमेरिका ने बोन प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा इंडिया की जो पेनिट्रेशन दोबारा हो गई, और अभी फिर इंडिया की पेनिट्रेशन है, तो इंडिया ने उस पेनिट्रेशन को अच्छे तरीके से वो डायलॉग कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, और अफगान तालिबान कतर जा के दुनिया से डील कर करके, यूएई टर्की से डील कर करके अब वो डिप्लोमेट हो गए हैं। उनको पता है कि हर एक दुनिया के मुल्क के साथ बात करनी है, वहाँ वो किसी को इंटरनली मामला में नहीं कुछ कहते, वो कहते हैं हाँ कारोबार करना है आओ करो, लेकिन हमारे घरों में नहीं आना, हमारी फैमिलीज वुमेन खवातीन इधर किसी को नहीं पूछना, हाँ मर्द मर्दों तक ताल्लुक रखो, जो एक कल्चर है वहाँ पे तो उन्होंने रखा हुआ है। सो इंडिया के और चाइना और रशिया के ये इंटरेस्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हाँ इंडिया एक और बात भी करता है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनकी, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक नई चीज़ है जो नरेंद्र मोदी के दौर में इंट्रोड्यूस कराई।